दोस्तों इंग्लिश से जुड़े वर्ड जो इस प्रकार हैं, गेट अप। दोस्तों गेट अप का हिंदी मतलब होता है उठ जाओ। दोस्तों जब आप सोए रहते हैं तो दोस्तों अगले व्यक्ति के द्वारा उठाना ही गेट अप कहलाता है। दोस्तों क्लीन इट, क्लीन इट का हिंदी मतलब होता है इसे साफ़ करो। दोस्तों आपके द्वारा जब गंदगी फैला जाता है उसे साफ करना ही क्लीन इट कहलाता है। नेक्स्ट है रिपीट इट। दोस्तों रिपीट इट का हिंदी मतलब होता है इसे दोहराओ। दोस्तों अब जब आप अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो दोस्तों उसे दोहराने के लिए बोलते हैं जिससे उसे याद हो सके, तो दोस्तों वहाँ हम रिपीट इट का यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है बी राइट बैक। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है इसी समय वापस आओ। दोस्तों जब आप कहीं दूर चले जाते हैं तो दोस्तों आपके पेरेंट्स द्वारा कॉल करके बोला जाता है किसी समय वापस आओ, तो दोस्तों वहाँ हम बी राइट बैक का यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है स्टैंड स्टिल। दोस्तों स्टैंड स्टिल का हिंदी मतलब होता है स्थिर खड़े रहो। दोस्तों जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो दोस्तों उस वक्त आपको स्टैंड स्टिल होना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट है से गुड बाय। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है अलविदा कहो। दोस्तों जब आप किसी के गेस्ट बन के जाते हैं तो दोस्तों जब आप उनसे अंतिम विदा लेते हैं तो दोस्तों जब अपने बच्चों को कहते हैं कि से गुड बाय, यानी कि बच्चों के द्वारा कहा जाना से गुड बाय अलविदा कहो, तो दोस्तों वहाँ हम से गुड बाय का यूज करते हैं।